पोटैटो चिली के लिए जो हमें सामग्री चाहिए, मैंने ये 3 चम्मच मैदा लिया है, 3 चम्मच कॉर्न फ्लोर, मैंने 3 आलू को इस तरह से मैंने साफ करके कट कर लिया है, 1/2 चम्मच अदरक पेस्ट, 1/2 चम्मच लहसुन पेस्ट, 1 हरी मिर्च, अपने अकॉर्डिंग हरी मिर्च ले सकते हैं, 1 मीडियम साइज के प्याज को इस तरह से मैंने खोला है, इस तरह से 1 शिमला मिर्च को इस तरह से मैंने लंबे में कट किया है, और टोमेटो सॉस लूँगी 4 चम्मच, 1/2 चम्मच ग्रीन चिली सॉस, 1/2 चम्मच सोया सॉस। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक बड़ा बाउल लेंगे, उसमें ये मैदा और कॉर्न फ्लोर रखेंगे, और पानी से एक इसको घोल तैयार करेंगे। एक देखिए फ्रेंड, घोल हमारा तैयार है, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें, जितना आप नमक लेते हो। और इसमें हम आलू को ऐड करेंगे, देखिए फ्रेंड इसे अच्छे से हमने मिक्स कर लिया, पूरे नीचे से नीचे करके ऐसे हम मिक्स कर लें, अगर चम्मच से नहीं हो रहा हो तो हाथ से कर लीजिए इसे। और कढ़ाई भी गर्म हो चुका, तेल डाल दिए हैं, अब इसे हम डीप फ्राई कर लेंगे, जितने भी हमारे ये पोटैटो का है ये सभी को इसमें रख कर डीप फ्राई करेंगे। देखिए फ्रेंड मैंने इसमें रख दिया, और इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक इसे अच्छे से पका लेंगे। फ्लेम को मैंने आँच को मैंने थोड़ा तेज कर दिया है, ये बहुत टेस्टी लगेगा, क्रिस्पी भी लगेगा, बच्चे तो ऐसे भी पोटैटो बहुत पसंद करते हैं, तो बनाइए एकदम ईजी, फटाफट बनने वाली है, इसमें ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं। देखिए फ्रेंड ये हो गए, अब ये हो बन चुका है, और ये गोल्डन ब्राउन भी हो गया, और आलू भी पक चुका है, अब इसे हम निकाल लेते हैं। देखिए हमने तल लिया है, और एक्स्ट्रा तेल मैंने निकाल लिया है, तो अब इस उसी कढ़ाई में मैं ये प्याज डालेंगे और शिमला मिर्च, इसे थोड़ा देर हम फ्राई करेंगे, करीब 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पर। इसमें नमक डालें टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना आप चाहें, देखिए शिमला मिर्च और प्याज भून चुका है, ये जो हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट है उसे डालेंगे, और हरी मिर्च डालेंगे, और इसे हम 10 सेकेंड तक भूनेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैं तो लाल मिर्च डाल रही हूँ इसमें 1 चम्मच, आप जितना चाहें उतना डाल सकते हैं, कम ज़्यादा मिर्ची कर सकते हैं। इसे हम करीब 10 से 15 सेकेंड भूनेंगे, हो गया 10 से 15 सेकेंड। मैं 3 बड़ा चम्मच डालूंगी सॉस, और सोया सॉस डालूंगी 1/2 चम्मच, ग्रीन चिली सॉस डालूंगी 1/2 चम्मच, इसे अच्छे से चला मिला लेंगे। फ्रेंड्स 1 चम्मच कॉर्न फ्लोर को मैंने इस तरह से घोल बना लिया है, और इसमें मैं ऐड करूंगी, और मैं 1 चम्मच विनेगर डालूंगी, इसे अच्छे से थोड़ा सा 2 मिनट हम पका लेंगे। फ्रेंड्स अब इसमें हम ये पोटैटो चिली डालेंगे, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स देखिए अब तैयार हो चुका है, मैं सर्व करती हूँ। फ्रेंड्स देखिए मैंने सर्व कर दिया है, और धनिया पत्ती से मैं गार्निश कर रही हूँ, देखिए कितना यम्मी लग रहा है, बहुत ही पसंद आएगा, बच्चे तो बहुत पसंद करेंगे, आप ज़रूर बनाइए एक बार। पूरा वीडियो देखिए,
लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए। अगला वीडियो जल्दी देखने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।